अवैध खनन कारोबारी प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं। प्रशासन चैन की नींद सोया हुआ है और अवैध खनन करने वाले बेखौफ होकर अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। कई बार तो लगता है कि अवैध खनन करने वालों के साथ प्रशासन मिला हुआ है। रुड़की क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो कानून को ताक पर रखकर अवैध खनन के कारोबार को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। HRDA द्वारा निर्माणाधीन प्रोजेक्ट हो या मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में NH-58 के किनारे सभी जगहों पर खनन कारोबारियों ने रातों रात मिट्टी का भराव कर प्रशासन को बौना साबित कर दिया है। इस मामले में रुड़की तहसीलदार विकास अवस्थी अपने जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आए। जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने कहा उनके संज्ञान में है, वह तहसील स्तर पर कार्यवाही के आदेश करेंगे। प्रशासन इस मामले में कर कुछ नहीं रहा, जिससे लगता है कि अवैध खनन का कारोबार प्रशासन की मदद से ही चल रहा है। मंगरोल क्षेत्र में खनन के क्रम में जो है समय समय पर सूचनाएं मिलती हैं रात में, और सूचना के क्रम में जो है नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्वयं जो है मेरे द्वारा जो है औसत निरीक्षण किया जाता है। जब भी कोई ट्रैक्टर जब होती है या चीज होती है तो उसके क्रम में जो है जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराया जाता है, और इसमें जो है पुलिस को भी सूचित किया गया, निर्देशित किया गया कि उनका भी एक अहम रोल है पुलिस विभाग का, क्योंकि उनके जो है सिटी पेट्रोल यूनिट जो है या फिर क्षेत्र जो है घूमते रहते हैं, उनको भी बोला गया है कि आप जो है रात की जो गश्त है वो मुख्यतः पुलिस का भी काम है, रात की गश्त को और ज़्यादा प्लानिंग करें ताकि जो है अवैध खनन से निजात मिल सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।